हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही आलू की सब्जी। जब घर में कोई सब्जी ना हो तो बनाएं ये सब्जी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से। इसे आप किसी भी पूरी हो या पराठे हो या फिर चावल हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल लेंगे। मैंने यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर में आलू को जो है वो कट कर लिया। अब हम इसे आलू को फ्राई कर लेंगे। हमें इसे हल्का लाल फ्राई करना है। इसे हम अलग बर्तन में फ्राई करके निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए ऑयल में ही 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। आप इसमें बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं। लहसुन प्याज की जगह पे आप टोमेटो का प्यूरी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, जब तक प्याज का कलर ब्राउन ना हो जाए। अब हम एक बर्तन में दही लेंगे। मैंने यहाँ पे घर का ही बनाया हुआ दही लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर डालूँगी। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। अब मैं 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिससे सब्जी का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। अब हम इसे सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे, दही में फेंट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो भुन गया है। अब हम इसमें दही का जो मसाला है उसे डालकर अच्छी तरीके से पकाएंगे। दही का पेस्ट डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, वरना दही जो है वो पानी छोड़ने लगेगी और मसाला जो है वो एकदम ख़राब हो जाएगा। जब इसमें अधिकतर पानी छोड़ देगा तो फिर हमारा मसाला जो है वो फटाफटा हो जाएगा। तो इसे हमें धीमी आंच पर कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे हमारा मसाला जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए मसाला जो एकदम अच्छी तरीके से पक गया है। अब हम उसे सेम कटोरी में ही 1 कप पानी लेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। लगभग इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जिससे हमारा मसाला जो है बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बनेगी। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने से सब्ज़ी का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए मसाला कितने अच्छे तरीके से पक गया है। अब हम अपनी ग्रेवी बनाने के लिए 1 कप पानी डालेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए पानी को हमको लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाना है, जब तक इसमें कोई उबाल ना आ जाए। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। इसे अच्छे तरीके से चलाएँगे, जो सब्ज़ी में जो अच्छे से मिल जाए। अब हमने यहाँ पे जो आलू फ्राई करके रखा था, ऑयल में फ्राई करके रखा था, उसे आलू को ऐड करेंगे और इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके और हमारी सब्जी देखिए कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी बन के तैयार है। इसे आप कोई भी पराठे हो, पूरी हो या फिर सिंपल जीरा राइस हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। एक बार इस सब्जी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसे आप फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें, जिससे आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।